नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टू फोर सेवन हमारे से यूट्यूब चैनल पे और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्वेंटी फाइव की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ कैसे क्या रहेगा डिटेल में डिस्कस करेंगे बट गाइज उससे पहले फटाफट से यार वीडियो के लिंक को कॉपी करिए शेयर करना स्टार्ट करिए मैक्सिमम जितना आप यार शेयर कर सकते हैं शेयर करना स्टार्ट कर दीजिए जब तक मैं भी फटाफट से लिंक को इधर उधर शेयर कर देता हूँ बट गाइज आप भी शेयर कर देंगे तो बढ़िया रहेगा बच्चों को पता चल जाए कि भाई आशीष आ चुका है आप लोगों के लिए, लिए करंट अफेयर्स लेकर ठीक है अच्छे यहाँ पर एक्जेक्टली exactly किस तरीके से क्या पैटर्न रहेगा वो जरा देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक मोटिवेशनल कोट प्लस हम यहाँ पर डेली बेसिस पे जो डेज डिस्कस करते हैं चाहे इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो दोनों प्लस उसकी थीम को यहाँ डिटेल में डिस्कस किया जाएगा देन फिर बढ़ेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की तरफ जो कि लास्ट सेशन में हमने न्यूज फॉर्म में डिस्कस किए थे देन फिर बढ़ेंगे आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ आज काफी इम्पॉर्टेंट ज्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज है मेरे दोस्त देन फिर बढ़ते हैं यहाँ पर स्टेट ऑफ द डे आज का अपना स्टेट कौन सा रहेगा प्लस यहाँ पर एक यूनियन टेरिटरी या स्टेट रिलेटेड करंट अफेयर्स से डिस्कस किए जाएंगे और भी बहुत कुछ रहेगा जो कि डिटेल में डिस्कस करेंगे सबसे पहले आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन सुबह सात बजे तो आप मेरे साथ जुड़े हैं आज आपको बारह बजे भी जुड़ना है जो यूनियन बजट का अपना सेशन चल रहा है यूनियन बजट का जो अपना सेशन चल रहा है इस पर कुल मिलाकर मैंने हंड्रेड एमसीक्यूज का टारगेट रखा था पहली क्लास में थर्टी फाइव एमसीक्यूज नेक्स्ट क्लास में किए थे आज जितना भी है वो सारा कंप्लीट किया जाएगा तो गैस ये पूरा का, पूरा का कंप्लीट पैकेज है आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूनियन बजट ट्वेंटी ट्वेंटी वन प्लीज 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 आज बारह बजे आज बारह बजे मेरे साथ जुड़ना ना भूलिएगा प्लीज गाइज कोशिश करेगा कि आज बारह बजे आप मेरे साथ जुड़ पाए ठीक है बढ़ते सबसे पहले वोटिविशनल कोर्ट बड़ा शानदार लिखा है कि वास्तविक शिक्षा वह है जो अपने को सुधारना और दूसरों को संभालना सिखाए आज के वक्त की अगर हम बात करते हैं टेक्निकल टीम स्क्रीन को फ्रीज कर सकते हैं मुझे हटाकर <coughs> <एक>, हेलो <coughs> वास्तविक शिक्षा वह है जो अपनों अपने को सुधारना और दूसरों को संभालना सिखाती है तो दोस्त एक बात हमेशा याद रखिएगा जिंदगी में आप कितनी भी ऊंचाइयां पालें जिंदगी में किसी भी मुकाम तक पहुंच जाएं बट एक अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है और जो कहते हैं कि यार हमेशा एक 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 पर्सन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप कैसे भी हो आप एक बेहतर इंसान हो चाहिए एक बेहतर भाई होने चाहिए बेहतर दोस्त होने चाहिए बेहतर कलीग होने चाहिए एक बेहतर इंसान होना बहुत जरूरी है तो जिंदगी में हमेशा याद रखेगा ये मैं कह रहा हूँ ये आप शायद आईना जब देखते होंगे तो बेहतर समझते भी होंगे कि एक अच्छे इंसान होना क्यों जरूरी है एक अच्छा इंसान होना मेरे दोस्त बहुत 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 ज़रूरी है तो हमेशा एक अच्छा इंसान बनकर रहिए ठीक है अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो डेज है उनको रिवाइज करते हैं टेक्निकल टीम भाई कोई है है दिशु भाई आ जाओ जल्दी फटाफट से मेरे भाई अब जरा ध्यान से सुनिएगा एक फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना रेजिंग डे मनाया भारतीय भाई मुझे मुझे हटा दो और जरा स्क्रीन को फ्रीज कर देना हाँ स्क्रीन को फ्रीज करना सिर्फ स्क्रीन को भारतीय तटरक्षक स्थापना दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे दो फरवरी को चार फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे विश्व कैंसर दिवस और आई एम एंड आई विल इसकी थीम रही थी छह फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस एक मिनट दोस्त एक मिनट फरवरी को याद रखना इंटरनेशनल इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलियन रहा था दस फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे दस फरवरी को नेशनल डिवॉर्मिंग डे रहा ठीक है इंपॉर्टेंट मार्क करना है इसको ग्यारह फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ एंड गर्ल्स इन साइंस ग्यारह फरवरी को ही वर्ल्ड यूनानी डे मनाया गया बारह फरवरी को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे रहा तेरह फरवरी को दो दिन मनाए गए वर्ल्ड रेडियो डे और नेशनल वुमेंस डे वर्ल्ड रेडियो डे की थीम रही थी रेडियो एंड डाइवर्सिटी एंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन डे की थीम रही थी अनलीजिंग यूथ पावर एंड आई एम आई वेल थीम रही थी वर्ल्ड कैंसर डे की नेक्स्ट मेरे दोस्त आज का पहला सवाल कौन जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करने के लिए दस बिलियन खर्च करेंगे हु विल स्पेंड टेन बिलियन टू हेल्प फाइट क्लाइमेट चेंज तो यहाँ पर आंसर बनता है जेफ बेजोस एमेजोन के फाउंडर जेफ बेजोस ने अनाउंस किया है कि वो क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए दस बिलियन खर्च करेंगे यूरोपियन यूनियन ने भी अभी हाल ही में था और एक देश ने स्पेन ने भी अभी हाल ही में क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर किया यूरोपियन यूनियन में कुल मिलाकर 28 देश सदस्य हुआ करते थे 27 देश इसमें बचे हैं ठीक है थीके?

Who become? Option में मजा आ आ जाएगा. कुछ याद आ रहा है? Sir Danika, humanitarian award. है? Padukon, का ियन अवार्ड ठीक है दीपिका पादुकोन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का क्रिस्टल अवार्ड क्रिस्टल अवार्ड रोहित शर्मा को जो एक स्पेनिश फुटबॉल लीग है ला लीगा उसने अपने ब्रांड एम्बेडर बनाया वहीदा रहमान को मध्य प्रदेश गवर्नमेंट नेशनल किशोर कुमार सम्मान से सम्मानित किया है मेरा आंसर तो बनता है यहाँ पर विराट कोहली बट विराट कोहली के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि प्रियंका चौपड़ा डैनी का से प्रियंका चोपड़ा को सम्मानित किया गया दीपिका पादुकोण को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया रोहित शर्मा को ला लीगा जो एक स्पेनिश फुटबॉल क्लब है लीग है उसने अभी हाल ही में अपना ब्रांड भारत में बनाया है वहीदा रहमान को मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने किशोर कुमार सम्मान से सम्मानित किया किशोर कुमार सम्मान से मेरे भाई सम्मानित किया है आगे बढ़े नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज बिकम सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट इट इज लोकेटेड इन विच सिटी इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका आंसर चाहिए दोस्त सर आशीष सर प्लीज प्रोवाइड दी ओल्ड फॉर्मेट न्यू फॉर्मेट

क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की लिस्ट जारी की थी जिसमें मुंबई और हैदराबाद को शामिल किया था मुंबई को फिल्म के क्षेत्र में और हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में शामिल किया गया था जो अपना आंसर है इसका वो बनता है न्यू डेहली इट इज लोकेटेड इन न्यू डेहली बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जैसे अभी चेन्नई सहयोग काइजन जो इंडिया और जापान के बीच में एक्साइज रही थी वो कहां पर रही थी कोस्ट ऑफ चेन्नई में रही थी सहयोग काइजन वैसे जापान के साथ भारत की दो एक्साइज और होती हैं एक होती है सिन्यू मैत्री सिन्यू मैत्री सिन्न्यू मैत्री और दूसरी एक्साइज है धर्म गार्जियन धर्म गार्जियन धर्म गार्जियन धर्म गार्जियन और सहयोग भारत की तीन एक्सरसाइज है जापान के साथ मुंबई क्यू न्यूज में रहा था अभी सेकंड जो प्राइवेटली ऑपरेटेड तेजस ट्रेन है वो अहमदाबाद तो, तो मुंबई चलेगी अच्छा देख दोस्त एक बात इंपॉर्टेंट बनेगी कि जो तेजस ट्रेन है ना जो पहली प्राइवेट ट्रेन है पहली कॉरपोरेट ट्रेन यूँ कहूँगा तो वो चली थी आपकी लखनऊ टू दिल्ली रूट पे लखनऊ से दिल्ली रूट पे जो दूसरी है वो अहमदाबाद से मुंबई रूट पे और तीसरी जो है वो काशी महाकाल है दो तो तेजस रही और जो तीसरी वो है काशी महाकाल एक्सप्रेस अभी फ्लैग ऑफ की गई है जो मजुमा मुझे लगता है तीन चार दिन ही हुआ मेरे भाई ठीक है काशी महाकाल एक्सप्रेस है वो अभी जिस रूट पर चली वो इंदौर इंदौर वाराणसी रूट इंदौर वाराणसी रूट इंदौर वाराणसी रूट पर चली है ठीक है इंदौर से देखो एक और चीज दिमाग में आ रही है इंदौर और भोपाल मिलकर दोनों को होस्ट करेंगे आईफा अवार्ड्स को आईफा अवार्ड्स को इंदौर और भोपाल होस्ट करेंगे दोबारा से फिर दोबारा वापस आते हैं मुंबई क्यों न्यूज में रहा था यहां पर उत्तराखंड भवन को इनगरेट किया गया था देखो गारवी गुजरात भवन गारवी गुजरात भवन नई दिल्ली में नॉगनेट हुआ था और जो उत्तराखंड भवन है ये नवी मुंबई में नॉगोरेट हुआ था

पसंद आ रहा तो प्लीज लाइक ठोकते चल हम आगे बढ़ते नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं किस कंपनी के साथ ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड ने किस कंपनी के साथ ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक हजार सार्वजनिक चार्जिंग एक हजार सार्वजनिक सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया आंसर करो दोस्त ओके गुड 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 मॉर्निंग 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 पीडीएफ मिलता है हर वीडियो का पीडीएफ उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलता है कमेंट बॉक्स चेक किया करिए आंसर यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर वन बी भारत संचार निगम निगम लिमिटेड के साथ एनर्जी एफिशेंसी सर्विस लिमिटेड का एक समझौता हुआ है एक जो पब्लिक चार्जिंग स्टेशन है उनको इंस्टॉल करने के लिए रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज मतलब इनमें से किन के नाम पर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस का नाम रखा गया है अच्छा मैं एक पेन यूज कर रहा हूं अगर ये दिख रहा है तो मुझे बताना ग्रीन कलर दिख रहा है आप लोगों को मजे मत लेना प्लीज सीरियसली बताना क्या ग्रीन कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है फिर मैं इसी पेन को यूज करूं <laughs> नहीं यार आपको तो दिख रहा बच्चों का पूछ रहा था मैं ओके <laughs> <Okay. laughs> बहुत बढ़िया अपना आंसर बनता है यहाँ पर मनोहर पारेकर जो इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड स्टडीज एंड एंडिस का नाम मनोहर पारिकर के नाम पर रखा जाएगा अच्छा अब जरा ध्यान से सुना एक इंपॉर्टेंट चीज और अच्छा दोस्त भाई शुभम भाई सुनो एक मिनट भाई शुभम भाई टेक्निकल टीम बच्चों की क्वेरी आ रही है जो बच्चे इस तरीके से देखते हैं तो उन्हें सब्सक्राइब का साइड में आता है उस वजह से ऑप्शन विजिबल नहीं होता ऑप्शन की वजह से जैसे अगर वो इस मोड पे देखते हैं ना हॉरिजॉन्टल मोड पे तो हॉरिजॉन्टल मोड पे देखने का साइड में सब्सक्राइब आता है उस वजह से ऑप्शन छुप रहा है

एमसी मैरी कॉम एमसी मैरी कॉम प्लस इसके अलावा यार एक चुन्नूलाल चुन्नूलाल मिश्र चुनुलाल मिश्र अनिरुद्ध जुगनौत रहे एक नाम और बनता है तीर्थ ये अब सात लोग हैं जिनको कि पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है ठीक है पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है अब जरा इंपॉर्टेंट देखो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय इन दोनों से रिलेटेड भी है अभी कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट है ना इसका नाम बदलकर किनके नाम कर के नाम पर कर दिया गया है श्यामा प्रकाश प्रसाद मुखर्जी के नाम पर कर दिया गया है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर किया गया मोस्ट इंपोर्टेंट जनवरी की न्यूज थी अभी दो इंपॉर्टेंट दीनदयाल उपाध्याय जी से रिलेटेड है दीनदयाल उपाध्याय जो स्टैचू है वो चंदौली में नॉगरेट किया गया है ठीक है और जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल सेंटर है ये वाराणसी में, 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 में नॉगरेट किया गया है ये अभी मुझे लगता है पिछले हफ्ते का ही न्यूज है यार तो मैंने आपको पढ़ाया था दीनदयाल उपाध्याय स्टैचू चंदौली में, में नॉगरेट किया गया पंडित दीनदयाल दी उपाध्याय मेमोरियल सेंटर वाराणसी में, 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 में क्लियर है मेरे भाई पसंद आ रहा तो प्लीज लाइक कर देना यार आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं किस राज्य सरकार ने राज्य के युवाओं को बढ़ावा देने और उनकी मदद के लिए दो नई योजनाओं मुख्यमंत्री अप्रेंटिसरेंटिस प्रमोशन स्कीम और युवा उद्यमिता विकास अभियान मतलब कहने का लॉजिक ये है कि जब कभी भी इस तरीके की अगर कोई न्यूज आती है तो सिर्फ याद रखिए पर्टिकुलर स्कीम किस स्टेट गवर्नमेंट की है जैसे फॉर एग्जांपल युवा की बात की जा रही तो युवा ये उत्तर प्रदेश की हो गई प्लस सी एम ए पी एस ये दोनों स्कीम उत्तर प्रदेश की हो गई बस इतनी काम की चीज बनती है तो ये स्कीम दोनों किसकी है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की है इसके अलावा याद रखना है शिव भोजन योजना शिव भोजन योजना ये महाराष्ट्र की है और विजयमृतम और सहचरी विजय सहचरी ये केरल राज्य सरकार है विजय सहचरी विजय मृतम और सहचरी दोनों अलग अलग है केरल की वाहली धीकर योजना वाहली धीकरी योजना ये गुजरात की माफ करना केरल की विजयमृतम सहचरी और गुजरात की वाहली धीकर योजना शिव भोजन महाराष्ट्र की कुछ और भी है वो देखो उत्तर प्रदेश रिलेटेड मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना अभी हाल ही में जनवरी की ये वाली भी कि जनवरी में लॉन्च की उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना अभी इन्होंने वुमेन हेल्पलाइन भी शुरू करी दामिनी के नाम से इन्होंने नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन कर दिया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने मध्य प्रदेश रिलेटेड याद रखना इसको अभी पहली अपनी खुद की पहली एलिफेंट कॉलोनी मिली है एलिफेंट हॉस्पिटल मथुरा में है एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर केरल के कुट्टूर में है और प्रोजेक्ट शक्ति मध्य प्रदेश का है मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना ये भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की है और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि गांधी चेयर और पिलर्स को यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में सेटअप किया जाएगा क्लियर है दोस्त यहां तक सारी चीजें फिर दोबारा सुन लीजिए मध्य प्रदेश को खुद की पहली एलिफेंट कॉलोनी मिली है एलिफेंट हॉस्पिटल मथुरा में है, एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर केरल के कुट्टूर में है मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना ये मध्य प्रदेश की है प्रोजेक्ट शक्ति मध्य प्रदेश का है इन्होंने डिसाइड किया है कि जो गांधी चेयर्स और पिलर्स हैं वो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में सेटअप किए जाएंगे उत्तर प्रदेश की एक और कृषक दुर्घटना कल्याण योजना मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना दामिनी हेल्पलाइन इन्होंने शुरू की है प्लस इसके अलावा नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन कर दिया है सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन कर दिया है ठीक है नेक्स्ट मेरे भाई अच्छा एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए ऐसे बच्चे जो आरबीआई का प्री दे चुके हैं आरबीआई मेन्स के लिए जा रहे हैं उनके लिए हम लोगों ने दो बैचेस यहाँ पर अनाउंस किए हैं एक तो प्योर बायोलिंगल रहेगा मतलब एक तो प्योर इंग्लिश रहेगा जो कि पूरा साउथ को कवर करेगा प्योर इंग्लिश मेरे भाई एक बायलिंगल रहेगा जिसे हम बोलते हैं कि इंग्लिश और हिंदी में कॉन्टेंट इंग्लिश हिंदी में रहेगा और जो एक्सप्लेनेशन रहेगा वो भी इंग्लिश हिंदी में इसमें आपको मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग और जी ए ये क्लासेस मिल रही हैं और यहाँ पर मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग और जी सारी क्लासेस मिल रही है मेरे भाई इस बैच को परचेज करने के लिए आपको अड्डा स्टोर पर विजिट करना पड़ेगा अड्डा स्टोर पर जैसे ही आप जाएंगे तो ये आपको दिख जाएंगे जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं यहां पर कौन कौन किस किस बैच को ले रहा है बैच को परचेज करने के लिए बाय नाव में जाइएगा बाय नाव में जाकर आपको एक कोड यूज करना है वाई वन सिक्स एट वेट मत करिए कि प्री का रिजल्ट आएगा तभी हम काम करेंगे स्टार्ट कर दीजिए कोड यूज करिए वाई वन सिक्स एट सिक्सटी परसेंट का आपको डिस्काउंट डायरेक्ट फ्लैट मिल जाएगा इस बैच को आज ही जाइएगा परचेज कर लीजिएगा इसमें सारी चीजें आपको मिलेंगी मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग जी ऐसे बच्चे जो एसबीआई पीओ और क्लर्क के लिए जा रहे हैं उनके लिए बता देता हूँ थर्ड ऑफ मार्च से मेरा बैच आ रहा है जो कि स्पेशली टारगेट कर रहा है क्लर्क को स्पेशली टारगेट कर रहा है पीओ को जिसमें मैं जीए पढ़ाऊंगा और ये बैच भी आपको स्टोर पर मिल जाएगा इसके लिए आप कोड यूज करिएगा वाई वन सिक्स एट और मेरे दोस्त आपको सिक्सटी परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा जैसे ही आप इसमें जाएंगे डिस्क्रिप्शन में आपको वहां पर इंफॉर्मेशन भी दे रखी है क्या सारी चीजें एक बार उनको देखिएगा एक नंबर भी है कोई दिक्कत हो उस नंबर पर कॉल कर लेना ज्यादा दिक्कत हो तो उस नंबर पर कॉल करके कह देना सर से एक मिनट बात करा दो बात भी करा देंगे बट दिक्कत हो तभी कॉल करना मेरे भाई ठीक है कोई भी डाउट कोई भी डाउट हो कोई भी काउंसलिंग इवन कुछ भी तो आराम से कॉल कर लेना अब आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी हैज बैंड अमित धाइया फॉर फोर इयर्स ही इज रिलेटेड टू विच इज नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने अमित धाइया पर चार साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है वह किस खेल से संबंधित है ओके <coughs> ओके okay. okay.

इसके अलावा एक होता है वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा मेरे भाई वाडा के हेडक्वारनेडा मॉन्ट्रियल सॉरी मोनेडा नहीं इट इज कनाडा कनाडा के मॉन्ट्रियल में कनाडा के मॉन्ट्रियल में है और वाडा ने अभी रशिया के ऊपर चार साल का प्रतिबंध लगाया था चार साल के प्रतिबंध की वजह से रशिया ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए कौन से ओलंपिक में सर समर ओलंपिक में और विंटर ओलंपिक में समर ओलंपिक 2020 में जो कि जापान में हो रहा है इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा विंटर ओलंपिक 2022 का जो चाइना में होगा उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा तो यह भी आपको याद रखना है नेक्स्ट मेरे ने भाई लोकप्रिय बंगाली फिल्म अभिनेता और तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है वट इज द नेम ऑफ दी पॉपुलर बेंगोली फिल्म एक्टर एंड फॉर्मर त्रृणमूल कांग्रेस एमपी हुए रिसेंटली बनता है ऑप्शन नंबर वन तापसाल तापस पाल नाम है बेंगोली फिल्म एक्टर जिनका भी हाल ही में निधन हुआ ऑप्शन देखेगा विनोद कुमार यादव सर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है सर जनक राज सर मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी में वैसे तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आरबीआई के क्या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और इनको बतौर मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में शामिल किया गया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आरबीआई की है जिसमें कुल मिलाकर छह सदस्य होते हैं तीन आरबीआई के होते हैं और तीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं जो आरबीआई के तीन है उसमें शक्ति का अंदाज जो कि गवर्नर है वो है इसमें और दूसरे हैं माइकल डी पात्रा माइकल डी पत्रा जो कि इंचार्ज है बेसिकली डिप्टी गवर्नर आरबीआई के और तीसरे जनक राज यहां पर जनक राज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो है पामी दुआ चेतन घाटे और रविंद्र एच ढोलकिया पामी दुआ चेतन घाटे रविंद्र एच ढोलकिया टिप्स पर रट लेना एम अजीत कुमार को सीबीआईसी का चेयरमैन बनाया गया सीबीआईसी का चेयरमैन बनाया गया ठीक है मेरे भाई सीबीआईसी के चेयरमैन मैं सही हूं कि नहीं आ रही है अजीत कुमार सीबीआईसी पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम बहुत बढ़िया ठीक है विनोद कुमार यादव ये रेलवे बोर्ड के चेयरमैन रहे अरविंद कृष्णा ये आईबीएम के आईबीएम के सीईओ बने हैं ठीक है आईबीएम के सीईओ बने हैं हु अवॉर्डेड विद स्पोर्टिंग मूवमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड किसको अभी हाल ही में किस स्पोर्टिंग मूवमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है आंसर बनता है सचिन तेंदुलकर साहब को किनको सचिन तेंदुलकर साहब को वो याद होगा या? यार दो हजार ग्यारह में जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता तो उनको था उनको कंधे पर उठा लिया था सभी लोगों ने और उसी मूवमेंट को यहां पर लॉरेंस ने भी मेरे भाई सम्मानित किया है और लॉरेंस स्पोर्टिंग मूवमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है सचिन तेंदुलकर को इसके अलावा नेक्स्ट है लॉरियस लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है हैज बीन अवार्डेड विद लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड तो यार इसमें देखो सचिन तेंदुलकर तो अभी एलिमिनेट हो गए लुइस हैमिल्टन और लियोनल मैसी इन दोनों को सम्मानित किया गया लुइस लुइस हैमिल्टन बेसिकली वन रेसर है ये आपको पता है यूके से हैं लियोनल मैसी की बात करते हैं तो भाई फुटबॉल खेलते हैं अर्जेंटीना से हैं और इन दोनों को संयुक्त तो तो तौर पर लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है नेक्स्ट मेरे भाई सिमोन वाइल्स ने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है सिमोन वाइल्स हैज है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मतलब देखो मैन वाला क्लियर हो गया मूवमेंट वाला क्लियर हो गया अब यहां पर आगे स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किनको मिला है तो ये मिला है सिमोन बाइल्स को सिमोन वाइल्स को सवाल ये सिमोन वाइल्स किस देश से तो जवाब बनता सिमुन है सिमोन वाइल्स यूएसए से किस देश से मेरे भाई यूएसए से इसे इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा अब जरा ध्यान से सुनना यूएसए के साथ युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार कोप इंडिया और टाइगर ट्रंप युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार कोप इंडिया टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज होती है एक और लिंक कर रहा हूं मैं एक चीज को और आप लोगों को पता है एक साल में कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं चार ग्रैंड स्लैम होते कौन कौन से ऑस्ट्रेलियन फ्रेंच विमलंडन और यूएस ऑस्ट्रेलियन फ्रेंच विमलेंडन और यूएस जो ऑस्ट्रेलियन और यूएस है ये दोनों ही आपके हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं

जो मेरे को एक बार हटाएगा जोकोविच के नाम और ये सर्बिया के कहा के वुमेन्स का गया है, ये गया है किसको गया है? कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे ये जिनको भी गया यूएसए की है जिनको भी गया है ना जिन्होंने जीता है वो यूएसए की है आंसर करिए दोस्त वुमेन सिंगल का टाइटल किसके द्वारा जीता गया है ओके बहुत बढ़िया

कौन सी भाषा 2019 में 615 मिलियन बोलने वालों के साथ दुनिया की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा इंग्लिश है उसके बाद चाइना की आती है चाइना की मंदारिन मंदारिन एक नंबर नंबर पे पे इंग्लिश है दो नंबर पे है दो और तीसरे नंबर पे मेरे भाई हिंदी आ जाती है ठीक है और सातवें नंबर पर आती है बंगाली बेंगोली मतलब बंगला जो भाषा है वो विश्व में सातवें नंबर पर है बोले जाने वालों में ठीक है इंपॉर्टेंट अपने लिए कि सबसे पहले नंबर पर इंग्लिश है दूसरी मंदारिन चाइना की तीसरी आपको याद रखनी भाषा हिंदी भारत की ठीक है नेक्स्ट दोस्त कौन जर्मनी में सत्तरवे बर्लिन अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय मंडप का उद्घाटन करेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट है यार ये वाला एच जयशंकर साहब एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं ठीक है विदेश मंत्री हैं राज्यसभा एमपी हैं ये गुजरात से गुजरात से डीवी सदानंद गौड़ा केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर है रामविलास पासवान ये यार कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर हैं कंज्यूमर अफेयर

ठीक है अब जरा ध्यान से सुनना आरबीआई एन एस ओ ठीक है आरबीआई एन एस ओ और भी मैं देख रहा हूं इन्होंने कहा है कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट पांच परसेंट पांच प्रतिशत रहने का अनुमान है एक मिनट लिस्ट ओपन हो जाए तो फिर ठीक है नहीं तो बाय द वे गलती से अगर गलत हो गया गलती से गलत हो गया तो फिर डांट सुननी पड़ जाएगी आप लोगों की एक मिनट मेरे भाई ओपन हो जाए हाँ ठीक है एनएसओ ने कहा है यहां पर आरबीआई ने कहा है कि इंडिया की ग्रोथ रेट पांच परसेंट रहेगी देखो एडीबी का कहना है इट विल बी लिख लेना पांच मतलब, -20 -20 प्रतिशत एडीबी का कहना है इंडिया की ग्रोथ रेट रहेगी फाइव पॉइंट वन परसेंट और इसके अलावा यूएनओ की बात कर लेते मेरे दोस्तों यूएनओ का कहना है यहां पर फाइव पॉइंट सेवन परसेंट यूएनओ यूएनओ का कहना है फाइव पॉइंट सेवन परसेंट

I think guys, यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगे ठीक है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यार अमेरिकी स्थित थिंक टैंक वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के अनुसार 2019 में ब्रिटेन और फ्रांस को पछाड़कर पछाड़कर कौन सा देश दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है तो, तो उस आंसर बनता है यहां पर ऑप्शन नंबर टू इंडिया इंडिया की बात करते तो इंडिया हैज बिकम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी

किस देश ने 600 किलोमीटर के स्ट्राइक रेंज के साथ हवा से प्रक्षेपित क्रूज मिसाइल राध सेकंड का सफल परीक्षण किया अक्सर देखो ये दो तीन सवाल जो दो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट एक सैटेलाइट और एक मिसाइल जब कोई भी देश कोई मिसाइल का या सैटेलाइट का सैटेलाइट को भाई लॉन्च कर रहा है मिसाइल का प्रक्षेपण कर रहा है

ओके okay. आगे बढ़ते दोस्त ये हम लोग कल कर चुके थे पांच इंपॉर्टेंट यहां तक हो गया था अब नेक्स्ट देख लेते हैं सोशल जस्टिस और इम्पावरमेंट मिनिस्टर थावरचंद गहलोत ने क्या किया था कि जो मोदी जी के द्वारा लिखी गई एक नाम एग्जाम वॉरियर इसको नई दिल्ली में लॉन्च किया था इसका ब्रेल वर्जन लॉन्च किया गया था इनके द्वारा एक नाम है है टर्बुलेंस एंड द मोदी मोदी जी के ऊपर यह भी किताब है, इसको राहुल अग्रवाल और भारतीय प्रधान के द्वारा संयुक्त तौर पर लिखा गया और इसे नई दिल्ली में लॉन्च किया गया था मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इनका नाम है हरदीप सिंह पुरी इन्होंने अभी हाल ही में सी क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी सर्विस आवास पोर्टल को लॉन्च किया था नई दिल्ली से स्पेशली किसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ठीक है अर्बन यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज एंड एग्रीकल्चर याद आ रहा होगा नरेंद्र सिंह तोमर इन्होंने सारस इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड जो फेयर है उसको नई दिल्ली में नॉगरेट किया था या ये ट्रेड फेयर कहां पर रहा? न्यू दिल्ली में रहा था खाड़ी पवेलियन ने क्या किया है अभी इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर को नई दिल्ली में तो यार ये तो मोस्ट कॉमन हो गया नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है थर्टी नाइन्थ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर इसका वेन्यू नई दिल्ली रहा था थीम रही थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पार्टनर कंट्री था अफगानिस्तान फोकस कंट्री था साउथ कोरिया और फोकस स्टेट था बिहार और झारखंड ठीक है दोस्तों तो ये कंप्लीट हो गया अब अपना न्यू डेली कल मुलाकात होगी तो एक अलग स्टेट या यूटी होगा जिससे रिलेटेड करंट अफेयर पड़ेंगे नेक्स्ट यार फिर दोबारा बता देता हूं आज सात बजे आप मेरे साथ तीन यार बच्चे जुड़े हुए हो अभी यहाँ पर अभी तो आधा घंटा हुआ है मेरे भाई और जितने बच्चे जुड़े उनको बताइए आज बजे क्लास है एक और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ हंड्रेड एमसीक्यूज का टारगेट किया था इसमें पैंतीस कंप्लीट है 25 दूसरे वाले सेशन में अब जितने बचते हैं बाकी के 40 वो इस सेशन में मैं कंप्लीट कराऊंगा इंग्लिश में भी रहेगा हिंदी में भी रहेगा एक बार जुड़िएगा दोस्त जरूर क्योंकि एक साल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा मतलब यूनियन बजट एक साल के लिए इंपॉर्टेंट है या जब तक अगला नहीं आ रहा तब तक हर किसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा एक बार रट लो बैठकर लो उसके बाद दिक्कत नहीं है मेरे भाई समझ में आ रहा है ना तो प्लीज यार कोशिश करना मेरे साथ बारह बजे आज जुड़ने की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आज की पहली और इंपॉर्टेंट न्यूज इंडिया विल होस्ट दी ट्वेंटी टू एशियन फुटबॉल कंफेडरेशन वुमेन्स एशिया कप बड़े ध्यान से सुनेगा भारत दो एशियाई फुटबॉल परिसंघ महिला एशियाई कप की मेजबानी करेगा अक्सर आपको न्यूजपेपर में यही लिखा मिलेगा एएफसी वुमेन्स एशिया कप एएफसी

सारा सारा हम लोग देख देख लेंगे, लेंगे। ठीक है? तो एक पेज पे आ जाएगा वो त्रिपुरा, त्रिपुरा ने कार्यक्रम का आयोजन किया है तो त्रिपुरा की जो है उसको और प्रमोट करने के लिए टी बोर्ड ऑफ इंडिया ने क्या किया रन फॉर इंडिया टी इवेंट ऑर्गेनाइज क्या है मेरे काम की चीज़ इतनी बनती है run for India event, ये किस state में हुआ? Run for India इंडिया टी इवेंट एक इस स्टेट में हुआ तो ये त्रिपुरा में रहा था त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला इसके मुख्यमंत्री का नाम है विप्लव कुमार देव और यहाँ के गवर्नर रमेश वैस है ये अभी नए बने रमेश वैस साहब यहाँ के एक गवर्नर हैं दोस्त नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यार अरुणाचल प्रदेश विल सेलिब्रेट 34th स्टेटहुड डे ऑन 20th फरवरी तो भाई अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं बीस फरवरी को अपना बीस फरवरी को स्थापना दिवस मनाने जा रहा है अब देखो यार एग्जाम के लिए पूछ ले जाता है, है, है तो अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की जो स्थापना हुई थी उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो उसका चौथी स्टेट वो बीस फरवरी को ऑब्जर्व किया जाएगा एग्जैक्ट में बता दू तो बीस फरवरी उन्नीस से याद अगर आप कैलकुलेट करते हैं ट्वेंटी पूरा एग्जैक्ट निकल कर आता है इट इज थर्टी फोर्थ स्टेट होल्डर डे ऑफ अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर है ईटानगर इसकी कैपिटल है मुख्यमंत्री का नाम पेमा खांडू है और यहाँ के गवर्नर बीडी मिश्रा है गवर्नर का नाम क्या है? मेरे दोस्त तो बीडी मिश्रा यहाँ के गवर्नर है नेक्स्ट FIFA Under 17 Women's World Cup will be hosted in five cities. By India is going to host FIFA Under 17 Women's World Cup in this करंट ईयर अब सवाल उठता है कि इसमें वेन्यू कौन कौन से शहर है तो अहमदाबाद भुवनेश्वर गुवाहाटी कोलकाता एंड नवी मुंबई ये पांच देखो अगर एग्जामिनर की हटी तो वो यहां पर पूछ लेगा ऑड वन पांच ऑप्शन दे देगा चार ऑप्शन गिवन होंगे पांचवा वन दे देगा पांचवा दे देगा पांच दे दे आगरा बेसिकली एक दे रहा हूं तो वहां पर आपको आगरा एलिमिनेट करना पड़ेगा अगर उसकी हटीतने हाई लेवल का पूछा अदरवाइज यही पूछेगा फी वर्ल्ड कौन सा देश होस्ट करने जा रहा है तो अपना प्यारा भारत होस्ट करने जा रहा है इसका ऑफिशियल स्लोगन रहा था किक ऑफ द ड्रीम किक ऑफ द ड्रीम इसको भी अनवील किया गया ये नेम याद रखना किक ऑफ द ड्रीम इज द ऑफिशियल ऑफिशियल स्लोगन ऑफिशियल स्लोगन क्या है किक ऑफ द ड्रीम वेन्यू कौन कौन से रहेंगे अहमदाबाद भुवनेश्वर गुवाहाटी कोलकाता और नवी मुंबई नेक्स्ट मेरे भाई अच्छा आप लोगों को पता होना चाहिए यार जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स की बात करें जैसे मॉनेटरी पॉलिसी की मॉनिटरी पॉलिसी छोड़िए मैं बात करता हूं यहां पर मुद्रा बाजार की मनी मार्केट की मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है तो आंसर निकल कर आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फिर दूसरा सवाल सर कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है पूंजी बाजार को तो नाम निकल कर आता है यहां पर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी

क्लोजिंग द इन इक्विटीज गैप टू अचीव सोशल जस्टिस क्लोजिंग द इनइक्विलिटीज गैप टू अचीव सोशल जस्टिस जरा ध्यान से सुनना मेरे भाई फरवरी के सारे डेज रिवाइज कर लेते हैं देखते कितना आप लोगों को याद है एक फरवरी एक फरवरी दिमाग में क्या रहा है इंडियन कोस्ट गार्ड का रेजिंग डे इंडियन कोस्ट गार्ड का रेजिंग डे सर दो फरवरी को डे आ रहा है वर्ल्ड वेटलैंड डे वर्ल्ड वेटलैंड डे वर्ल्ड वेटलैंड डे सर चार फरवरी को आ रहा है वर्ल्ड कैंसर डे देखो मुझे भी याद नहीं देखते मुझे कितना याद चार फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे सर छह फरवरी को आता है इंटरनेशनल डे फॉर जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट फीमेल जेनिटल म्यूटिलियन इसकी थीम रही थी अनलीजिंग यूथ पावर अनलीजिंग यूथ पावर वर्ल्ड कैंसर डे की थीम रही थी आई एम एंड आई विल आई एम एंड आई विल दस फरवरी वर्ल्ड पल्स डे वर्ल्ड पल्स डे या नेशनल डिवॉर्मिंग डे वर्ल्ड पल्सिस और नेशनल डिवॉर्मिंग डे वर्ल्ड डे और नेशनल डिवॉर्मिंग डे 11 फरवरी मेरे भाई मुझे याद नहीं आ रहा जरा आपको कोई बताएगा मैं सही हूं तो यस सर गलत बताना वर्ल्ड यूनानी डे वर्ल्ड यूनानी डे और इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस ठीक है इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस 12 फरवरी को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे नेशनल प्रोडक्टिविटी डे तेरह फरवरी को तेरह फरवरी को हम लोग मनाते हैं Day, और अब हम लोग आगे यहां पर वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस की बात करें तो ये 20 फरवरी को मनाया जा रहा है आज की बात करते 20 फरवरी को उस कोई भी गलत हो तो बता दी यस सर यहाँ पर ये गलत है मुझे जहां तक लगता है सारे सही हैं इसी तरीके से आपको रटे हुए यार वर्ल्ड यूनानी डे फरवरी वर्ल्ड यूनानी डे फरवरी भाई लिखा हुआ है वर्ल्ड यूनानी डे इंटरनेशनल डे फॉर वूमे गर्ल्स इन साइंस भी लिखा है ग्यारह फरवरी ओके okay, रेडियो डे भी रेडियो एंड डाइवर्सिटी उसकी थीम रही थी रेडियो एंड डाइवर्सिटी उसकी थीम रही ओके okay, हार्डली एक मिनट लूंगा तब तक क्लियर हो जाए बारह फरवरी को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे चली ये भी क्लियर है तेरह फरवरी को रेडियो डे ये भी क्लियर है ओके okay, सर ओबिचरी की लिस्ट भी इसी तरीके से याद करा दी तो मत कुछ करना सच में कुछ भी मत करना ठीक है कल को तुम्हारे घर में चाय नहीं बननी होगी ना तुम पे खुद अपने लिए तो मेरे को बोल आशीष भाई तुम आ जाओ बना देना मैं तब भी बना दूंगा कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए खड़ा हुआ हमेशा टेंशन ना लो कभी कुछ तो खुद भी करो यार थोड़ा खुद से करो मैं तो सब कराऊंगा ही कोई मुझे बताएगा ये क्या करा रहे हैं हवन करा रहे हैं मेरे दोस्त हवन करेंगे हवन करेंगे ओके बहुत बढ़िया नेचर डे डे क्लियर है नाइनटीन फाइव ओके अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं दोस्त थोड़ी चीजें खुद से भी करना स्टार्ट करिए यार नेक्स्ट है हेल्थ कार्ड डे ऑन फरवरी मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस बीस फरवरी को मनाया गया है क्या यार ये ये ध्यान से सुनना बीस फरवरी या, या यार उन्नीस फरवरी एक मिनट जरा मेरे को देख लेने दो एक सोयल हेल्थ कार्ड डे गल ना हो जाए उन्नीस फरवरी है ठीक है तो याद रखना मेरे भाई इसको द डेज इज बिंग अक्रॉस द कंट्री ऑन फरवरी

पंद्रह को सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम को लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और इसी दिन को यहाँ पर किस डे के रूप में मनाया जा रहा है हेल्थ कार्ड डे के रूप में मनाया जा रहा है तो यार दोस्त याद रखना है आपको सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज कि हेल्थ कार्ड स्कीम सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम इसको लॉन्च किन होने किया था तो आंसर बनता है यहाँ पर इट वॉज लॉन्च ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पॉइंट नंबर टू ये कहाँ से लॉन्च हुई थी तो राजस्थान के सूरतगढ़ से राजस्थान के सूरतगढ़ से मेरे भाई इसको लॉन्च किया गया था पॉइंट नंबर थ्री यहाँ पर बनता है कि ये किस दिन लॉन्च हुई थी तो एग्जैक्ट डेट की बात करें 19 फरवरी 2015 को इसको लॉन्च किया गया था 19 फरवरी 2015 को मेरे भाई इसको लॉन्च किया गया था ठीक है एक सेकेंड एक बार और कंफर्म कर लेते हैं नेशनल हेल्थ मिशन ये yeah, टुडे तो 19 फरवरी ये गलती से भाई 20 लिख गया था इसको याद रखना नेक्स्ट यार ये इंपॉर्टेंट है सुनील कुमार एंड इंडिया 27 ईयर ऑफ गोल्ड मेडल ड्रॉट इन द ग्रेको रोमन कैटेगरी इन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप मतलब एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप की बात करें तो यहां पर कहा जा रहा है कि जो ग्रेको रोमन कैटेगरी है उसमें भारत ने पिछले सत्ताईस सालों से कोई भी मेडल नहीं जीता था

भारत के 27 साल के स्वर्ण पदक के सूखे को समाप्त कर दिया है तो सिंपली सुनील कुमार इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट ही और इन्होंने अभी हाल ही में क्या किया भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में टेक्निकली सामने आएगा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये जो न्यूज है ना ये आपको अलग से ऐसे नहीं मिलेगी आपको कल अगर आपने उड़ीसा गवर्नमेंट का बजट पढ़ा होगा तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट की है तो ये उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट की है समृद्धि कृषि नीति 2020 हैज बीन प्रपोज्ड बाय उड़ीसा गवर्नमेंट टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द फार्मर्स उड़ीसा रिलेटेड जितनी भी न्यूज बनती है जैसे कि उसकी सारी स्कीम मो सरकार मो परिवार इस बारे बजट पे कालिया स्कीम का भी नाम लिया गया था कालिया स्कीम कालिया स्कीम पीठा स्कीम सुनेत्र स्कीम अमाघर एलईडी स्कीम कालिया पीठा सुनेत्र स्कीम अमाघर एलईडी स्कीम मो सरकार मो परिवार योजना मधु एप्लीकेशन ये सारी किसकी है उड़ीसा राज्य सरकार की है नेक्स्ट मेरे भाई गुजरात गवर्नमेंट हैज पार्टनर्ड विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू फैसिलिटेट एमएसएमई लोन गुजरात सरकार ने एमएसएमई ऋण की सुविधा के लिए एसबीआई के साथ भागीदारी है मतलब एक राज्य सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ गुजरात सरकार के अगर माध्यम से दिया जा रहा है तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर प्रदान करेगा ठीक है तो गुजरात गवर्नमेंट है इंपॉर्टेंट बात करना किस बैंक के साथ हुआ किस राज्य सरकार ने किया है स्वदेश मूवी में ये थी इनका नाम है किशोरी बल्लाल और इनका निधन हो गया है वेटरन कन्नड़ एक्टर किशोरी बल्लाल हेज पास रिसेंटली शी वाज़ शी वाज़ 82 कन्नड़ अभिनेत्री किशोरी बल्लाल का हाल ही में निधन हो गया है और वे बयासी वर्ष की थी वह बयासी वर्ष की थी तो वेटरन कन्नड़ एक्टर किशोरी बल्लाल हैज शी कन्नड़ अभिनेत्री किशोरी बल्लाल का हाल ही में निधन हो गया और वह बयासी वर्ष की थी कितने वर्ष की बयासी वर्ष की क्या वर्ष इंपॉर्टेंट नहीं अपने काम कीजिए किशोरी बल्लाल इनका निधन हुआ यह क्या थी तो शी वॉज शी वॉज फीमेल एक्टर या शी वॉज एक्ट्रेस इस तरीके से याद रखना शी वॉज कन्नड़ एक्टर नेक्स्ट यार ग्रेटेस्ट वुमेन गोल्फर मिकी राइट मिकी राइट हैज पास्ड अवे रिसेंटली शी वाज 85 महान महिला गोल्फर मिकी राइट का हाल ही में निधन हो गया वह पिछासी वर्ष की थी सवाल यू बनेगा मिकी राइट हैज पास्ड अवे रिसेंटली शी वॉज वर्थ शी वाज द गोल्फर वह एक गोल्फर थी मिकी राइट जिनका हाल ही में निधन हुआ वह क्या थी वह एक गोल्फर थी वह एक गोल्फर मेरे लिए काम की चीज बनेगा इनका शब्द एक गोल्फर एक, एक अभी नाम याद रखना है आपको कोनेरू हम्पी कोनेरू हम्पी ठीक है कुनेरू हम्पी ये किससे संबंधित है चेस से संबंधित है अगेन कहूंगा ये रिसेंटली न्यूज में रही थी अभी इन्होंने फाइड इवेंट था वो जीता था एक इवेंट था और इन्होंने अभी जीता था कैंस कैंस कब करके इन्होंने अभी जीता जो यूएस में रहा था तो इनका नाम भी आपको याद रखना है नेक्स्ट मेरे दोस्त

बैरी ऑफ फ्रेल को भारत के लिए अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया भारत के लिए अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया तो किनको अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने भारत के लिए अपना राजदूत तो नियुक्त किया है तो वो आंसर बनता है यहां पर बैरी ऑफ बैरी ऑफरे दोस्त बैरी अच्छा, इंपॉर्टेंट बनती है यहाँ पर आईसीटी वर्ल्ड कप 2020 इसमें भी मेंस है और वुमेन्स है इन दोनों को जो देश होस्ट करेगा वो ऑस्ट्रेलिया है

अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने एशियाई फुटबॉल परिसंघ की ग्रासरूट चार्टर ब्रॉन्ज लेवल सदस्यता प्राप्त की है तो याद रखना है ऑल इंडिया फुटबॉल फुटबॉल फेडरेशन फेडरेशन जो जो है है उसने अभी हाल ही में एशियन कन्फेडरेशन है, है उसकी ग्रास रूट चार्टर ब्रॉन्ज लेवल मेंबरशिप प्राप्त की है अब देखो मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट बनेगा यहाँ पर इस इस तरीके की जब न्यूज आती है तो डायरेक्ट ये ना पूछते हुए वो इस तरीके के सवाल पूछ सकते हैं ए एफ सी न्यूज रिलेटेड एफ सी रिलेटेडक्वार्टर ऑफ एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन वेर इज द हेड कॉर्टर ऑफ दी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन तो गाइज प्लीज 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 इन दोनों के हेडक्वार्टर रट लेना इन दोनों के हेडक्वार्टर क्या है मैं आज नहीं लेकर आया आपको कॉमेंट करना आराम से वीडियो कम्प्लीट होने के बाद कि वेर इज दवार्टर ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एंड वेर इज हेडक्टर ऑफ एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन नेक्स्ट मिनट भाई गवर्नमेंट विल लॉन्च तिलहन मिशन यार जितने भी, कोई भी, अगर, आ, होते कोई भी मिशन होता है तो बेसिकली हाल ही पूछा है कि ने अभी में क्या किया है कि तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए, मतलब लिए यहाँ पर भारत सरकार कौन सा मिशन लेकर आने जा रही है तो इसका नाम है तिलहन मिशन क्या नाम है तिलहन मिशन तो गवर्नमेंट विल लॉन्च तिलहन मिशन टू मेक दी कंट्री सेल्फ रेलिटेंट इन ऑयल सीड प्रोडक्शन ऑयल सीड प्रोडक्शन में भारत की जो आत्मनिर्भर दूसरों पर डिपेंडेंसी उसको खत्म करें भैया और अपने को सेल्फ रिलेटेड मतलब कह सकते आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक मिशन लेकर आ रही है इसका नाम है तिलहन मिशन अभी अगर एक ऑपरेशन की बात करो एक ऑपरेशन वैनिला दिमाग में तुरंत ऑपरेशन वेनिला आया

जम्मू कश्मीर नहीं लेकर हूं आज मैं केरल डिस्कस करूं आपके साथ ध्यान से सुनेगा फर्स्ट नवंबर 1956 को केरल का स्थापना हुई थी इसकी तिरुवनंतपुरम है, 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 है वो तिरुवनंतपुरम ही है ऑफिशियल लैंग्वेज मलयालम रहेगी कर्नाटक तमिलनाडु ये दो स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है कुल मिलाकर लोकसभा की सीट ट्वेंटी राज्यसभा की सीट नाइन और लेजिस्लेचर यहाँ पर मतलब देखो एक बात समझना बीस लोकसभा की सीट है यहाँ पर बीस राज्यसभा की सीट नौ है नौ है और डी नंबर इसलिए था कि इनको रटाने के लिए कि भाई चौदह बीस जीरो नो आपको रटना ना पड़े बीस एंड की लोकसभा की सीट हो गई फिर राज्यसभा की नो हो गई और चौदह यहाँ पर कुल मिलाकर डिस्ट्रिक्ट हो गए मतलब यहां पर विधानसभा है विधान परिषद नहीं है जिन राज्यों में दोनों होता है उनका लेजिस्लेचर बाई कैमरल होता है जिन राज्यों में सिर्फ एक होता है विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली उनका जो लेजिस्लेचर होता है वो यूनिक कैमरल होता है इसका यूनिक कैमरल है ठीक है दोस्त इस केल हाईकोर्ट यार केरल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम आपको बताना है वट इज द नेम ऑफ दी चीफ जस्टिस ऑफ अ केरल हाईकोर्ट आपके लिए होमवर्क रहेगा वाट इज द नेम ऑफ दी चीफ जस्टिस ऑफ केरल हाईकोर्ट केरल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम क्या है दोस्त ठीक है नेक्स्ट यार इंपॉर्टेंट डांस इसका फेमस कब कली है श्री पद्म स्वामी टेम्पल केरल का है और साबरीमाला श्री अयप्पा टेम्पल भी आपका केरल राज्य सरकार का है डैम यहाँ पर इदूकी डैम है मुला पैरिया डैम है नयार डैम है मुला रिवर पे बना हुआ है ठीक है दोस्त इसके अलावा देखना जरा केरल की बेसिकली अगर बॉर्डर की बात करते किन किन राज्यों के साथ ये शेयर करता है तो एक तमिलनाडु और दूसरा कर्नाटक है अनामुदी शोला अब देखो यहाँ पर शोला गिर रहा है अनामुदी शोला इराविकुलम केतन सोला मेरे भाई

वयनाद और नयार और अरालम ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो कि इसी फ्लो में याद रखना चिनार पेपर की वयनाद नयार और अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि आपकी केरल राज्य में स्थित है ठीक है मेरे भाई क्लियर है अब आगे बढ़ते नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यार वैंबानाद लेक भी आपकी इसी राज्य में स्थित है फिर एक चीज और बता देता हूं आज बारह बजे टेक्निकल टीम सामने रहेगा आज बारह बजे आप मेरे साथ जुड़ना ना भूलिएगा मेरे भाई प्लीज प्लीज प्लीज, प्लीज जुड़िएगा जरूर आज बारह बजे के सेशन में इसके अलावा फिर समझ लीजिए ये आपको हमारी टीम दिख रही है बैच आपके लिए बायलिंगल लेगी ये टीम आपको दिख रही है कि आरबीआई का बैच आपका इंग्लिश का लेकर आ रहे हैं प्लीज आज ही जाके इस बैच को परचेज कर लीजिएगा जितने भी स्टूडेंट प्री का एग्जाम देख चुके हैं टीम आपको दिख रही है हमारी जो पिक्चर्स में दिख रही है वही टीम हमारा बैचेस को लेंगे प्लीज 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 अड्डा स्टोर पे जाइएगा वक्त जाया ना करिएगा और इस कोड को यूज़ करना वाई वन सिक्सटी टू सिक्सटी परसेंट डायरेक्ट डिस्काउंट डिस्काउंट मिल जाएगा आज जाकर एनरोल करा लीजिए इक्कीस तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है मतलब कल से ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है तो एक क्लास भी मिस ना हो इसका ध्यान रखना है आपको ऐसे बच्चे जो सिर्फ जी पढ़ना चाहते हैं एस बी और क्लर्क के लिए एस बी आई और क्लर्क के लिए उनके लिए मैं कहूँगा मेरा बैच ले लीजिए मेरा बैच थर्ड ऑफ मार्च से स्टार्ट हो रहा है अगेन इसमें भी कोड यूज करना वाई वन सिक्स एट सिक्सटी परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा इवन किसी में भी यूज करिए इस कोड को सिक्सटी परसेंट डिस्काउंट मिलेगा सेशन पसंद आए मेरे साथ जुड़ेगा मेरे भाई इसी तरीके से कल सुबह सात बजे जाना कहीं नहीं है पीयूष सर और आपके लिए मेरे भाई संतोष सर अभी आ रहे हैं एडिटोरियल लेकर उसमें भी आपको जुड़ना है गुड बाय टेक केयर ऑल द बेस्ट जब हमने डेट ट्वेंटी फोर सेवन शुरू किया था तो हमारा एक ही ड्रीम था कि क्वालिटी एजुकेशन को घर घर तक लेकर जाना है तो इस देश में जो मेट्रो है और जो गांव है उसमें एक बहुत बड़ा गैप है जिस तरीके की एजुकेशन दी जाती है तो हमारा जो पूरा का पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था वो इसी के अराउंड रिवॉल्व करता था दैट हाउ वी कैन ब्रिज दिस गैप पिछले दस सालों में एक लाख से ज़्यादा बच्चों की जॉब लगवाने में हम सफल रहे हैं दस करोड़ स्टूडेंट्स का साथ है अब हम वर्मेकुलर लैंग्वेजेस में भी आ गए हैं आठ से ज्यादा लैंग्वेजेस हमने रिसेंटली लॉन्च किए अपने प्लेटफॉर्म पे।, पे। मेहनत करते रहो सफलता जरूर मिलेगी